हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी के नगेट्स। तो सूजी के स्क्वायर नगेट्स बनाएंगे, खूब सारी सब्जियों की फिलिंग डालेंगे इसमें। तो ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्पी नगेट्स बनेंगे ये देखिए, और फिलिंग भी इसमें अंदर तक भरी हुई होगी। आप इसको लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं या फिर शाम को रिफ्रेशमेंट में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। इसे 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। 1 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको इसी तरीके से पका लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 गाजर। गाजर को भी मैंने एकदम फाइनली चॉप करके लिया है, आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्रोजन मटर। तो ये मैंने 1/2 कप के लगभग इसमें फ्रोजन मटर डाल दिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो आप उनको अच्छे से पकने दें। तो फ्रेश मटर को पकने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। जब मटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे ये 1 कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैंने एकदम बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी वेजिटेबल्स हमें डालनी है उनको एकदम बारीक काट कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई वेजिटेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें, या फिर इसके अलावा आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 टमाटर। तो मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को एकदम बारीक काट लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्पाइसेस को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और मटर के अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसको पकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे ये उबले हुए आलू। तो मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को उबाल लिया था, उसे छील लिया और फिर उसे ग्रेट कर लिया है। तो आलू को हमें ग्रेट करके ही लेना है। इससे एक तो ये वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और दूसरा जो भी हम फिलिंग का शेप बनाना चाहें वो आसानी से बना सकते हैं। अगर हम इसे मैश करते हैं तो इसमें बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं। तो आलू को और सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मिला लेंगे। तो ये हमारी फिलिंग बनके तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो गैस को बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे 2 कप पानी। 2 कप से हल्का सा ज्यादा पानी हमें लेना है। फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल। फिर इसमें डाल देंगे सूजी। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ी देर के बाद सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छे से फूल जाएगी। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल और ऐड कर देंगे, आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे डो की कंसिस्टेंसी आने तक पकने देंगे। तो जिस तरीके से जो हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरीके का थिक हमें इसे करना है। थोड़ी देर के बाद ये देखिए कढ़ाई को छोड़ने लगेगा और इस तरीके से थिक हो जाएगा। तो बस इसे हमें इतना ही गाढ़ा करना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है, ये इसने कढ़ाई को अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम इसे एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसको फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम हाथ पे ऑयल लगा लेंगे और फिर इसको गूंथ लेंगे। इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिलाते हुए गूंथ लेंगे और इसे एकदम चिकना कर लेंगे। अब हम थोड़ी थोड़ी फिलिंग लेते जाएंगे। तो जो फिलिंग है वो भी ठंडी हो गई है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग हमें नहीं लेनी है, बस थोड़ी थोड़ी फिलिंग लेते जाएंगे और उसको मनचाहा शेप दे देंगे। आप जिस भी शेप में ये नगेट्स बनाना चाहते हैं वैसा शेप बना ले। तो यहाँ पर ये मैंने चौकोर शेप की बना लिए हैं, तो छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं फिलिंग्स के। आप चाहें तो इनको इस तरीके से गोल भी बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डो ले लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा पोर्शन लेके उसकी एक लोई तैयार कर लेंगे। अब हमें चाहिए एक प्लास्टिक की शीट, आप चाहें तो इसकी जगह एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे।
अब हम लोई को इस पे रख देंगे, फिर इसे ऐसे ढक देंगे और किसी भी प्लेट या फ्लैट बर्तन से इसको ऐसे प्रेस करते हुए बढ़ा लेंगे। तो ये जो डो है इसे हमने सूजी से बनाया है, तो इसे बेलना पॉसिबल नहीं होता, कई बार ये चिपकने लगता है। ऐसा करने से हम इसे अच्छे से बेल सकते हैं। तो पूरी से थोड़ा सा बड़ा साइज का हम इसे बेल लेंगे, एकदम बीच में फिलिंग रख देंगे और फिर इसके किनारों को ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। साइड से भी देखिए जैसे हम पार्सल को फोल्ड करते हैं ना, बस वैसे ही इसको हमें ऐसे अंदर फोल्ड करके किनारों को चिपका देना है। तो बाहर वाले जो किनारे हैं वो अच्छे से आपस में चिपक जाने चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर और कितना परफेक्ट शेप बना है इसका। तो हम चारों तरफ से किनारों को सेट कर देंगे, इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो पहले आप सारे स्क्वायर्स को इस तरीके से बना के रेडी कर लें और बाद में हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे स्क्वायर्स बना लेंगे। आप चाहें तो इनको गोल भी रख सकते हैं, तो उसके लिए हाथ में थोड़ा सा पोर्शन ले लें और फिर इसकी इस तरीके से लोई बना लेंगे। फिर इसके किनारों को दबाते हुए इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। अब इसमें ये फिलिंग रख देंगे। तो जो हमने गोल शेप की फिलिंग बनाई थी, जो फिलिंग की एक बॉल है, वो इसके अंदर रख देंगे और इसको इस तरीके से घुमाते हुए प्रेस करते जाएंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से बंद कर देंगे। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ये किनारे हैं ये अच्छे से सील होने चाहिए, कि अगर इसमें जगह रह जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और हो सकता है कि ऑयल में फट जाएं। वैसे तो जब भी हम सूजी से नाश्ता बनाते हैं तो सूजी ऑयल में ज़्यादा फटती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको केयरफुली बंद कर लेना है। तो ये हमारे सारे नगेट्स तैयार हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके इसमें ये नगेट्स डाल देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। इन्हें फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। एक बार इन्हें ऑयल में डालने के बाद आप 4 से 5 मिनट तक इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। 5 मिनट के बाद हम इनको हल्के हाथों से पलट देंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो बस हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप कलर देख सकते हैं, जब ये इस तरीके से ब्राउन हो जाए तो बस हम इनको निकाल लेंगे। आप चाहें तो सारे नगेट्स को एक साथ फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इनको बैचेस में फ्राई कर लें। जरूरत अनुसार इनको फ्राई कर लें। जो बचे हुए नगेट्स हैं उनको आप फ्रीजर में 1 से 2 दिन तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा एक बैच फ्राई हो गया है। इसी तरीके से हम सारे नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सूजी के नगेट्स बनके तैयार हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं और फिलिंग भी इसमें कितने अच्छे से भरी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये कितने टेस्टी दिख रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा डिलीशियस हैं। तो आप इस नाश्ते को जरूर से बनाएं और चटनी, केचप जिसके साथ भी चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।